नमस्कार, क्विक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपके भी इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल फोटो नहीं लग रहा है और आप इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर है। मोबाइल पे आने के बाद अगर आपके इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लग रहा है तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। तो चलिए इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको नीचे में एक प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको इस प्रोफाइल आइकन के ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको एक एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल फ़ोटो लगा के देखना है कि आपका प्रोफाइल फ़ोटो लग रहा है कि नहीं। अगर आपका यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लग रहा है तो सबसे पहले आपको ऊपर में आपको अपने मोबाइल में नेटवर्क को चेक करना है कि आपके मोबाइल में प्रॉपर नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। अगर आपके मोबाइल में प्रॉपर नेटवर्क भी आ रहा है और आपका यहाँ पर इंटरनेट भी रिचार्ज है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आपका प्रोफाइल पिक नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने डिस्प्ले को ऊपर से आपको नीचे की ओर खींचना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में एरोप्लेन मोड को ऑन करना है। ऑन करने के बाद अब आपको एरोप्लेन मोड को ऑफ कर देना है। उसके बाद अब आपको अपने इंस्टाग्राम को यहाँ पर रिसेंट से हटाकर फिर से ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल फ़ोटो को यहाँ पर लगा के देखना है। अगर आपका प्रोफाइल फ़ोटो लग जाता है तो ठीक है, अगर आपका प्रोफाइल फ़ोटो इतना से नहीं लगता है तो सिंपल आपको यहाँ से कट कर देना है या बैक आना है। तो चलिए यहाँ से हम कट कर देते हैं। उसके बाद अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम का अपडेट आया हुआ है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम का अपडेट आया हुआ है तो यहाँ से आपको इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कट कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में एक ऐप मैनेजमेंट या आपको एप्लीकेशन मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। तो आपके फ़ोन में जो भी हो उस पर आपको क्लिक करना है। तो हमारे फ़ोन में ऐप मैनेजमेंट है, तो चलिए यहाँ पर हम ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको ऐप लिस्ट पर जाना है। जाने के बाद आपके फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड होंगे वो दिखने लगेगा। तो इसमें आपको इंस्टाग्राम ढूंढ लेना है। इंस्टाग्राम ढूंढने के बाद अब आपको इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से इंस्टाग्राम को फर्स्ट स्टॉप पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको फर्स्ट स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक क्लियर चेस कर देना है। उसके बाद ऊपर में आपको एक क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे क्लियर डाटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लियर डाटा करते हैं तो यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, तो फिर से आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम क्लियर डाटा कर देते हैं और यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है। उसके बाद आपको नीचे में एक डाटा यूजेज डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक डिसेबल मोबाइल डाटा और यहाँ पर आपको डिसेबल वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपल आपको यह दोनों ऑप्शन को चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में यह दोनों ऑप्शन है कि ऑन है कि ऑफ है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में यह दोनों ऑप्शन ऑफ है तो ठीक है, अगर आपके फ़ोन में यह दोनों ऑप्शन ऑन है तो सिंपल आपको यहाँ से इन दोनों को ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। तो चलिए इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपको नीचे में एक प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन मिलेगा। तो अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो अब आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर में आपका प्रोफाइल आइकन का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो अपने गैलरी से लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से कुछ परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अब आपको अपने गैलरी से जो भी फ़ोटो को प्रोफाइल फ़ोटो में लगाना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको उसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब आपको इस एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिल्टर उल्टर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको फिर से एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ देर लोडिंग लेगा, तो आपको वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपका जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो लग जाएगा।
तो इस तरह से अगर आपके इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लग रहा था तो उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।